हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है इस खतरनाक सी वीडियो में। और गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं ये खतरनाक सी पार्टी बस लेके जा रहा हूँ सीधा एवेंजर्स के पास, क्योंकि आज सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर हम लोग जाने वाले हैं पार्टी में। एवेंजर्स, पार्टी के लिए तैयार हो जाओ, मैं ये खतरनाक सी पार्टी बस ले आया। वाओ फ्रैंकलिन, तुमने बोला था तुम लाओगे बस और तुमने ला दी। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं इधर बढ़िया बढ़िया डीजे वाले गाने बजाऊंगा और तुम सब पार्टी करना, बहुत ही मजा आने वाला है आज तो। अरे इसको छोड़ो, खाने का क्या हुआ? अरे हेल, तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए पूरे के पूरे 50 बर्गर पैक कर लिए। वाओ, अब तो पार्टी में बहुत मजा आएगा। हाँ यार, आज तो सही में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हम इस पार्टी बस में जाने वाले हैं मनाली। ये खतरनाक बड़े बड़े स्पीकर में गाना चलाते रहते हम सब के सब साथ में मनाली जाएंगे, बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो एवेंजर्स, मेरी मदद करो प्लीज। अरे थेनोस, तुम कहाँ से आ गए? अरे थेनोस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। आयरन मैन, मुझे बताए, हम सब दुश्मन है, पर अभी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी मदद करो। अरे किससे मदद चाहिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, पूरा लॉस सैंटोस खतरे में आ जाएगा, मेरी मदद करो। बोला नहीं करेंगे, निकल जाए यहाँ से। अरे पर हुआ क्या? अरे क्या बताऊँ, एक खतरनाक से एलियन ने मेरी हालत खराब कर दी। क्या एलियन? कौन सा एलियन? थेनोस, मैं आ रहा हूँ, मुझे पता था तू भागकर इन एवेंजर्स के पास आएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे एवेंजर्स, मुझे बचा लो। अरे ये कौन है? इस थेनोस के बच्चे ने मेरे प्लेनेट पर अटैक किया था, पर इसको पता नहीं है कि हम कितने खतरनाक है, इसलिए मैंने थेनोस की सारी शक्तियां छीन ली। अब मैं इसे खत्म करूंगा और साथ में इस लॉस सैंटोस को भी। मुझे पता चला है तुम एवेंजर्स इस लॉस सैंटोस को बचाते हो, तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। अरे ये तुमने क्या कर दिया, हमारी बस खराब कर दी। आयरन मैन, मैं तुम सबको मारने वाला हूँ, तुम सब खत्म होने वाले हो, निकल जाओ यहाँ से। ये ले, मैं इस पूरे लॉस सैंटोस को खत्म करूंगा और फिर मेरे प्लेनेट के सारे भाई बंधुओं को बुलाकर हम इस पर राज करेंगे। मेरी मदद करो। अरे थेनोस, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, तुम इसका साथ नहीं देखो, तुम इसका साथ नहीं दोगे। इसने सारे के सारे एवेंजर्स की हालत खराब कर दी और ये लॉस सैंटोस की भी हालत खराब कर देगा, इसका साथ मत देना। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो वो एलियन पूरे लॉस सैंटोस को खत्म कर देगा, मेरी बात समझो, हमें लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, अगर तुमने इसकी मदद करी तो हमसे कभी बात मत करना, मैं जा रहा हूँ। तो कैसर, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थेनोस की मदद करूँ या फिर नहीं। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम लॉस सैंटोस को बचाना चाहते हो कि नहीं? हाँ मैं बचाना चाहता हूँ। तो तुमने देखा, वो उस एलियन ने सारे एवेंजर्स की हालत खराब कर दी, उसे कोई नहीं रोक सकता, पर हम दोनों मिलके रोक सकते हैं। क्या, कैसे? तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, हम दोनों एक होके साथ में एक अपग्रेड होंगे, एक खतरनाक से थेनोस में। तो कैसर, मुझे लगता है मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। सॉरी आयरन मैन, पर मैं इसकी मदद करके रहूंगा। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, हम दोनों को एक होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो कैसर, फटाफट से थेनोस की बॉडी में घुस जाते हैं। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो मैं एक पतला सा कमजोर सा थेनोस बन चुका हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। पर कैसर आप टेंशन मत लो, मैं और थेनोस मिलके बहुत ही ज्यादा अपग्रेड होंगे, ताकि उस खतरनाक से एलियन को हरा के लॉस सैंटोस को बचा पाए। हमें कुछ भी करके बहुत ही खतरनाक थेनोस में अपग्रेड होना पड़ेगा। फ्रैंकलिन, अगर हम जल्दी जल्दी उसे नहीं हराएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, धीरे धीरे लॉस सैंटोस खत्म, उसके बाद पूरी अर्थ खत्म, उसके बाद पूरी दुनिया खत्म।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें लॉस सैंटोस और पूरी दुनिया को बचाना है, तो जल्दी से अपग्रेड होने चलते। तो कैसे अगर आप चाहते हो हम जल्दी से जल्दी अपग्रेड होके उस खतरनाक से एलियन को हरा दें, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम चलते हैं अपग्रेड होने। तुम्हारा स्वागत है इस अपग्रेडिंग चैलेंज में। मैं हल्क बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी सारी की सारी पावर्स दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें इन सारी गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी पार करवानी पड़ेगी इन लकड़ियों के ऊपर से। और याद रखना, इसके नीचे है पानी, अगर तुम पानी में गए तो तुम हो जाओगे डिस्क्वालीफाई, और अगर फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए बिना पानी में जाए तो तुम्हें मैं अपनी सारी शक्तियां देकर अपग्रेड करूंगा। या तो थैनोस जीतेगा और अपग्रेड होगा, या तो ये वुल्फ। तुम दोनों में से कौन जीतेगा जल्दी डिसाइड कर लो। अरे तो मैं क्या पर घूमने आया हूँ, मैं ही जीत के रहूंगा। तो कैसर, सबसे पहले ये वुल्फ जाने वाला है, तो आप क्या चाहते हो कौन ये चैलेंज जीत के अपग्रेड हो, फटाफट से कमेंट करके बता दो। अगर आप वुल्फ को सपोर्ट कर रहे हो तो फटाफट से कमेंट में लिख दो वुल्फ ओपी, और अगर आप थैनोस यानी मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो थैनोस ओपी कमेंट में लिख देना। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, go। और कैसर आप देख सकते हो ये वुल्फ जा चुका है, सारी की सारी लकड़ियां पानी में जा रही है, और ये क्या हो गया? अरे ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मुझे बचाओ। अरे मेरी गाड़ी तो पानी में चली गई। और ये क्या, ये वुल्फ की गाड़ी तो पानी में चली गई। कैसर, ये वुल्फ का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच गया था, पर वो आगे जाकर गिर चुका है। तो कैसर अभी मेरी बारी आ चुकी है, और मैं ये चैलेंज को और भी ज्यादा हार्ड बनाने वाला हूँ। मैं अपनी बस में जाऊंगा, क्योंकि ये बस बहुत ही ज्यादा भारी है, तो ये और भी ज्यादा जल्दी नीचे जाएगी, पर हम जीत के रहेंगे। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। 3, 2, 1, go। चलो कैसर फटाफट से इस बस को लेकर चलते हैं, भगाते भगाते हमें फिनिशिंग लाइन तक कैसे भी करके पहुंचना पड़ेगा। पीछे से मेरी बस यहाँ पर डूबने लग चुकी है। नहीं, ये डूब नहीं सकती। और कैसर आप देख सकते हो हम यहाँ पर ऊपर पहुंच चुके हैं, मेरी बस पीछे रह गई, पर हमने फिनिशिंग लाइन यहाँ पर क्रॉस कर ली है और हम पानी में नहीं गए। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने अपना सबसे पहला अपग्रेड पा लिया, क्योंकि तुमने ये खतरनाक सा चैलेंज कंप्लीट कर दिया। तो अंकल फटाफट से मुझे अपग्रेड कर दो। ईम भीम गोल्ड क्रीम, जल्दी जल्दी अपग्रेड हो जाओ। उम्चा। और कैसर अभी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपग्रेड हो चुका हूँ एक अजीब से थैनोस में। ये थैनोस तो कोई रोबोट का लग रहा है, और जलावा रोबोट, पर कोई बात नहीं, हम पहले वाले थैनोस से तो पावरफुल लग रहे हैं, और मैं बड़े बड़े जंप भी कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है हम धीरे धीरे एक अच्छे थैनोस की तरफ जा रहे हैं। पर कैसर अभी भी ये थैनोस काफी नहीं है उस खतरनाक से एलियन को हराने के लिए। अगर उस एलियन को हराना है तो हमें और भी ज्यादा खतरनाक बनना पड़ेगा, और उसके लिए जल्दी जल्दी अपग्रेड होना पड़ेगा। तो कैसे अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से अपग्रेड हो जाऊं, तो फटाफट से लिख दो अपग्रेड फास्टर। आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा अपग्रेड फास्टर, तभी हम जल्दी जल्दी अपग्रेड हो पाएंगे और इस पूरे लॉस सैंटोस को बचा पाएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो फटाफट से चलते हैं अपग्रेड होने। तो कैसर अभी हम आ चुके हैं एक और बार अपग्रेड होने इन अंकल के पास। ये है डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड कॉपी। अंकल जल्दी जल्दी मुझे अपग्रेड कर दो। अरे बाबा, तुमने मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी बोला, मैं तुम्हें अपग्रेड नहीं करूंगा। अरे सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, मैं तुम्हें अपग्रेड नहीं करूंगा, निकल जाओ यहाँ से। अरे अंकल सॉरी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, प्लीज मुझे अपग्रेड कर दो, प्लीज, मुझे लॉस सैंटोस को बचाना है। ओके, मैं तुम्हें अपग्रेड सभी करूंगा जब सारे के सारे लोग कमेंट करेंगे सॉरी। अरे कैसे, अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से अपग्रेड हो जाऊं, तो फटाफट से आप सबको कमेंट करना पड़ेगा सॉरी। जल्दी जल्दी सॉरी अंकल कमेंट कर दो, तभी मैं ये अपग्रेड करेंगे। बुड़ी बाबा, सबने करा कि नहीं? अरे कर रहे, कैसे जल्दी जल्दी कर दो, वरना ये मुझे अपग्रेड नहीं करेंगे। अंकल अभी तक सबने कर दिया होगा, अब फटाफट से मुझे अपग्रेड कर दो। ओके बच्चे, तो मेरी बात सुनो। बुड़ी बाबा, अगर तुम्हें अपग्रेड होना है खतरनाक थैनोस में, तो तुम्हें मेरे लिए किसी 5 प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्या प्लेनेट को डिस्ट्रॉय? तुम्हें 5 के 5 प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अरे पर मैं प्लेनेट डिस्ट्रॉय होऊंगा तो सबके सब मर जाएंगे। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं तुम्हें मिरर वर्ल्ड में
भेजूंगा, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। मैं बस देखना चाहता हूँ क्या तुम्हारे में इतनी शक्तियाँ हैं, क्या तुम अपग्रेड होने के लायक हो कि नहीं। अच्छा ठीक है तो कैसर अभी मुझे डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे 5 प्लेनेट, वो भी मिरर वर्ल्ड में, ताकि इन अंकल को पता चल जाए कि हम अपग्रेड होने के लायक है कि नहीं। चलो फटाफट से चलते हैं प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हम अपने सबसे पहले प्लेनेट पर आ चुके हैं और ये है हमारा प्यारा सा मरकरी। तो हमारे इस मरकरी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, इन पत्थरों से एक पत्थर फेंक के देखते हैं क्या होता है इससे। और ये एक पत्थर फेंका, ओके ये तो बहुत ही तेज फैल रहा है, मुझे लगा था छोटा सा पत्थर होगा, पर ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। अब ये इतने सारे पत्थर क्या करेंगे ये देखते हैं। तो कैसर ये वाले पत्थर तो बहुत ही खतरनाक थे, अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे रॉकेट्स भी हैं, तो इन रॉकेट्स को भी यूज करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, क्या मरकरी पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा इनसे। नहीं इनसे तो ब्लास्ट नहीं होने वाला, इधर इसको फेंकते हैं और ये वहां पर लग गया, इसको ब्लास्ट करेंगे। और ये क्या, ये मरकरी में तो बहुत ही ज्यादा बड़ा खड्डा हो चुका है, अब ये बड़ी वाली मिसाइल क्या करेगी ये देखते हैं। और इस मिसाइल को हमने फेंक दिया है, धीरे धीरे ये जा रही है, बस टच होने वाली है मरकरी से, और ये गई। और ये क्या, ये तो पूरा खड्डा कर देगी, ये तो मरकरी को आर पार होने वाली है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये वाली बॉल भी यूज करके देखते हैं इस बॉल से क्या होने वाला है, और ये बॉल भी खड्डा करते हुए यहाँ पे जा रही है। और ये एक और मिसाइल जाते हुए, जब तक आप ये देख सकते हो ये यहाँ से निकल चुकी है पूरा बीच में खड्डा करके। और ये क्या, ये तो खुद ही मिसाइल फेंकने लग गए, तो ये भी यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। अब इन खतरनाक सी लेजर को यूज किया जाए, इसने तो बहुत ही बड़ा खड्डा कर दिया। अब ये वाली क्या करेगी, ये देखो हम इस पूरी मरकरी को यहाँ पर जला सकते हैं। और ये ब्लू वाली से देखते हैं क्या होने वाला है। ओ ये क्या, हमने तो एक बारी में पूरी मरकरी खोल डाला, रुक जाओ यहाँ पर भी। ओ ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अब इससे क्या होगा देखते हैं। और ये हमारा गया बॉम्ब, इसके अंदर क्या होने वाला है। और ये क्या, इसने तो बहुत ही खतरनाक लेजर्स यहाँ पर चला दी है, और क्या हो रहा है, हमारा पूरा मरकरी एक ही बारी में डिस्ट्रॉय होने वाला लगता है। तो कैसर अभी हम ये खतरनाक सा एलियन इस पर यूज करने वाले, हमको लॉस सेंटोस को एलियन से बचाना है, इसलिए मरकरी पर जल्दी जल्दी एलियन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी हम मरकरी खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम अपग्रेड हो पाएंगे खतरनाक से थैनोस में। तो इस मरकरी की हालत तो पूरी खराब हो चुकी है, हम जल्दी जल्दी बहुत सारे एलियंस को इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं, इसको फटाफट से इधर अटैक करवा देते हैं, और पूरा का पूरा मरकरी इसी के साथ खत्म होने वाला है। ये देखो कितने सारे अलग अलग एलियंस यहाँ पर आ चुके हैं पूरे मरकरी को खत्म करने के लिए, और इसने तो पूरा का पूरा पंच ही मार दिया। और इस कुत्ते को भी यूज करके देखते हैं ये क्या करने वाला है। और ये कुत्ता आया और ये खतरनाक सी लेजर मार रहा है, और हमने अटैक कर दिया मरकरी पे इन खतरनाक मच्छरों के साथ, ये जाएंगे और पूरे मरकरी की हालत खराब करने वाले हैं। तो अगर जितनी जितनी मिसाइल हम सारी की सारी इसके ऊपर फेंक देते हैं, ताकि ये मरकरी जल्दी से पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाए। और अब हम इसको ब्लास्ट करते हैं, 3, 2, 1 बूम। तो कैसर अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए, और इन सबको एक ही बारी में हम ब्लास्ट करने वाले हैं, और पूरा का पूरा मरकरी इससे फट जाएगा, जल जाएगा, सिर्फ 27% और बचा है, तो इसको भी फटाफट से खोखला कर देते हैं हर जगह से। और कैसर आप देख सकते हो सबसे पहला प्लेनेट हमारा स्मैश हो चुका है, इसमें बहुत ही टाइम लगे, पर अब हमें सारे के सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने, अब बारी आ चुकी है वीनस की, अब हमें जल्दी जल्दी सबका सब करना पड़ेगा, हमें सबका सब आता है जल्दी जल्दी, यहां पर UFO अलग अलग तरीके भेजने वाले हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये सब का सब डिस्ट्रॉय हो सके। अब फटाफट से यहाँ पर एलियंस का भी अटैक करवा, अब तो हम इस वीनस प्लेनेट को बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म करने वाले, यहाँ पर भी भेज देते हैं, यहाँ पर हमारा एक और एलियन आएगा, और यहाँ पर हमारा कुत्ता भी आ गया। और कैसर आप देख सकते हो ये वीनस तो पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये तो बहुत ही जल्दी ब्लास्ट कर दिया हमने, क्योंकि हमें सबका सब पता था। और कैसर अब बारी आ चुकी है हमारे अर्थ की, अर्थ को पहले फोड़े या फिर मार्स को बोलते हैं कि अर्थ पे तो हम खुद ही रह रहे हैं। तो कैसर इस वाली पावर को भी हम यूज करने वाले, देखते हैं क्या होने वाला है। तो कैसर यहाँ पर तो मैंने इस प्लेनेट के ऊपर शील्ड लगा दिए, पर हमें शील्ड नहीं चाहिए, हम इसको जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करते हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाए, सारे के सारे एलियंस इनके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि एलियंस बहुत ही जल्दी जल्दी सबका सब डिस्ट्रॉय करते हैं। फटाफट चलते हैं, यहाँ पर हमें नई नई मिसाइल्स भी मिल चुकी है, तो इन मिसाइल्स को भी जल्दी जल्दी लॉन्च कर देते हैं। और यहाँ पर हमें फुटबॉल मिल चुकी, इस फुटबॉल को हम फेंकेंगे यहां पर। और ये क्या, ये तो पूरे के पूरे मार्स की हालत बिल्कुल खराब कर रहे हैं।
अब हम मार्स को बीच में से जल्दी जल्दी खोखला करने वाले हैं। हो जा खोखला। तो काइजर, हम जब तक प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब के बटन को डिस्ट्रॉय कर दो, जल्दी जल्दी दबाते जाओ। और हमारा यहाँ पर मार्स भी लगभग खत्म हो ही चुका है। मार्स नाम का अब तो यहाँ पे कुछ प्लेनेट था ही नहीं और दिख भी नहीं रहा, और इसी के साथ मार्स भी स्मैश्ड। तो काइजर, अभी बारी आ चुकी है इस बड़े से जुपिटर की। जुपिटर सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लेनेट है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हम इतने खतरनाक हो चुके हैं प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग में कि हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, कितनी खतरनाक लेजर हमने यहाँ पर चला दिए। एक काम करते हैं, ये सारी की सारी लेजर छोड़ देते हैं इधर, ये पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम सिर्फ एक ही वेपन यूज करने वाले हैं, जो कि होने वाली है ये खतरनाक सी लेजर्स। तो फटाफट से पूरे के पूरे जुपिटर पे लॉन्च कर देते हैं, सारा का सारा खत्म कर देंगे जुपिटर को। आते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, पूरा का पूरा जुपिटर खत्म कर दो। एक सेकेंड, इसने तो सिर्फ बार बार से डैमेज किया है, हमें अंदर से भी डैमेज चाहिए, तो उसके लिए और कुछ लगता है यूज करना पड़ेगा। तो फटाफट से बहुत सारे UFOs यहाँ पर हम लॉन्च करने वाले हैं। जाते जाओ, जाते जाओ, ताकि ये जल्दी जल्दी पूरे के पूरे जुपिटर को उड़ा दे। और हम बीच में एक खड्डा भी करने वाले, 1, 2, 3। और काइजर, यहाँ पर जुपिटर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, लाल हो के ये तो ब्लास्ट होने वाला है। 3, 2, 1, फटाफट से हो जा डिस्ट्रॉय। और काइजर, इसी के साथ हमारा चौथा प्लेनेट भी होता है डिस्ट्रॉय। तो काइजर, हमने मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बारी आ चुकी है हमारे खुद के प्लेनेट अर्थ की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा इंडिया, जहाँ पर इतनी सारी लाइटें जल रही है, ये सारा का सारा इंडिया है। तो हम इंडिया को बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे, मतलब सही में तो डिस्ट्रॉय कर नहीं रहे। तो फटाफट से यहाँ पर हम बुलाते हैं इस खतरनाक से एलियन को, जो की बहुत ही तेज मुक्का मारेगा हमारे अर्थ पर। देखते हैं इससे क्या होने वाला है। और ये क्या, आधी अर्थ खोखली कर दी हमने एक ही बारी में। और यहाँ पर तो पॉपुलेशन भी आ रही है, टोटल 7 बिलियन पॉपुलेशन थी, उसमें से 2 बिलियन हमने यहाँ पर गायब कर दी। रुक जाओ, यहाँ पर भी एक पंच मारते हैं, अभी 5 बिलियन पॉपुलेशन है, देखते हैं कितनी भी माइनस होने वाली है। और ये पंच, तो कैसे यहाँ पर हमने पूरी की पूरी 6 बिलियन पॉपुलेशन गायब कर दी है। ये पंच तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर जो भी बचा है सब जगह लॉन्च कर देते हैं, इस पूरे के पूरे अर्थ को हम खा जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े मॉन्स्टर यहाँ पर पूरे अर्थ को खाते आ जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 700 मिलियन लोग बचे, 7 बिलियन लोग हमने मार दिया, और इसी के साथ पूरा का पूरा अर्थ में एक भी पॉपुलेशन नहीं बची। ये तो होना ही था, पूरा अर्थ फ्राई कर दिया हमने। अब फटाफट से जितना बचा है उसको भी खत्म कर डालते हैं। और गाइसर, ये था हमारा पांचवा प्लेनेट, जो कि सिर्फ 30% बचा है इसको डिस्ट्रॉय करना। जल्दी जल्दी इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसी के साथ अर्थ भी होता है हमारा खत्म। उड़ी बाबा, बहुत बढ़िया, तुमने सारे के सारे प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर डाला, इसका मतलब तुम होने वाले हो अपग्रेड। तो काइसर, अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से थैनोस में। मैंने सारे के सारे प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हम एक खतरनाक से थैनोस बन चुके। और काइसर, आप देख सकते हो मैं कितना बढ़िया उड़ भी पा रहा हूँ, पिछले वाले फटीचर थैनोस से तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और मैंने इस पूरे के पूरे प्लेन को भी उठा लिया, इसको फटाफट से फेंक देते हैं। ये प्लेन तो सीधा नीचे जाके क्रैश होने वाला है, पर काइसर हमें क्रैश करना है उस खतरनाक से एलियन को, पर वो एलियन अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हमसे। अभी तो हम एक सिर्फ नॉर्मल से थैनोस बने जिसके पास थोड़ी बहुत पावर है, पर हमें बनना है एक ऐसा थैनोस जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक पावर्स हो, और उस खतरनाक से एलियन को एक ही सेकंड में हरा दे। तो उसके लिए हमें और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पर अपग्रेड होना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं अपग्रेड होने। और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया अपग्रेड फास्टर, तो जल्दी जल्दी कर दो, तभी हम जल्दी से अपग्रेड हो पाएंगे। तो काइसर, अभी हम एक खतरनाक सा गोल्ड थैनोस लेकर आ चुके हमारे घर पर, क्योंकि हम बनाने वाले हैं खतरनाक सा थैनोस अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर। ये ड्राइंग मैजिक बोर्ड बिल्कुल तैयार है हमारी ड्राइंग बनाने के लिए। तो फटाफट से कमेंट में लिख दो ड्राइंग। तो फटाफट से कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा ड्राइंग मैजिक बोर्ड, तभी ये काम करेगा, वरना ये कुछ काम नहीं करने वाला। तो जल्दी जल्दी लिख दो और अपन फटाफट से ड्रॉ करते हैं एक खतरनाक सा थैनोस।
तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस खतरनाक से ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर और हमें इस पर एक खतरनाक सा थैनोस बनाना है जो कि इतना खतरनाक हो उस एलियन को आराम से हरा पाए। तो चलो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके फेस से। मैंने आपको बोला था कि ये वाला थैनोस टकला नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको टकला बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इसको हम एक खतरनाक सा मुकुट पहनाने वाले। तो फटाफट से इधर लेकर जाते हैं इसका मुकुट, यहाँ से कर देते हैं कंप्लीट। तो मुकुट तो यहाँ पर बन गया, अब इसका बाकी का फेस बनाया जाए। फटाफट से इसका फेस बनाते हैं। अब इसकी बाकी की बॉडी बनाएंगे, यहाँ पर इसकी बढ़िया सी गर्दन। और ऐसा थैनोस का सूट आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा बनाया ही नहीं है। तो फटाफट से इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, ये खतरनाक सा पावरफुल थैनोस सूट बनने वाला है। पहले इसको वापस थोड़ा सा इरेज करने वाले यहाँ पर, इसको फटाफट से यहाँ पर लेकर जाएंगे और ये डन। तो कैसे आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारा थैनोस खतरनाक लगने लग चुका है। अब यहाँ पर इसका हाथ बनाते हैं, यहाँ पर मस्कुलर बड़े बड़े हाथ हम इसके बनाएंगे और इसकी अंगुलियां तो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि थैनोस वैसे ही बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पर उसका हाथ भी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हाथ भी फटाफट से बना देते हैं। यहाँ पर भी बनेगा उसका बढ़िया सा हाथ फटाफट से कंप्लीट। और यहाँ पर उसके स्टोन्स भी होते, तो फटाफट से सारे के सारे स्टोन्स लगा देते, 3-4 और पांचवा होता है इधर। तो 5 स्टोन हमने इसके इस हाथ में भी लगा दिए और अब फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो गाइजर तो फटाफट से इसकी बाकी की बॉडी भी बना ली जाए, यहाँ पर लेकर जाएंगे इसकी बॉडी और यहाँ पर इसकी बड़ी बड़ी बेल्ट बना देते हैं और ये डन फटाफट से ये ऐसे। तो गाइजर आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक ऑलरेडी लगने लग चुका है, पर जब ये पूरा का पूरा बन जाएगा तो ये और भी ज्यादा खतरनाक लगने वाला है। बस आप वेट करते रहो, फटाफट से इसकी चड्डी को यहाँ पर बना देते हैं और ये डन। अब इसके बड़े बड़े पैर भी बना देते हैं, यहाँ पर बनाएंगे बड़े बड़े पैर, यहाँ पर बनेंगे इसके बढ़िया बढ़िया जूते जो कि होने वाले हैं पूरे के पूरे सोने के। पर कलर अब बाद में करना है, इसलिए पहले इसको फटाफट से कर देते हैं। यहाँ पर भी जूता बनाएंगे और कहीं जरा आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा थैनोस लगभग डन हो चुका है। अब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग चुका है, तो फटाफट से बाकी की डिटेलिंग जितनी बची है उसको भी कंप्लीट कर दिया जाए, फिर इसके अंदर हम कलर करने वाले हैं और इसका फेस भी बना देते हैं फटाफट से। इसकी बनेगी बढ़िया बढ़िया आंखें, यहाँ पर बन गई 1, यहाँ पर बन गई 2, यहाँ पर इसकी नाक भी बना देते हैं और यहाँ पर बनेगा इसका खतरनाक सा मुंह। और मुंह के अंदर होने वाले हैं बहुत सारे दांत, इसलिए दांत बनाने के लिए हम ऐसे करने वाले हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारे दांत भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसा हमारा थैनोस यहाँ पर डन हो चुका है, बस इसके अंदर कलर करना बाकी है। तो सबसे पहले इसके सूट में कलर करते हैं, हमने यहाँ पर ब्लू कलर ले लिया है। फटाफट से यहाँ पर इसकी सारी की सारी बॉडी में जहाँ पर सूट है उसको कर देते हैं। और गाइसर ये तो हो गया, अब हम लेंगे गोल्डन कलर और इसके जूतों में इसकी बेल्ट में, इसके ग्लव्स, गॉन्टलेट, चेस्ट, वेस्ट, आर्मर, सब जगह हम गोल्डन कलर करने वाले हैं। और इसके मुकुट में भी गोल्डन कलर यहाँ पर होने वाला है और ऊपर होगा ब्लू कलर और बीच में होने वाला है पर्पल कलर। इसके दांतों में हम करने वाले हैं रेड कलर। तो गाइसर यहाँ पर हमारा थैनोस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। अब इसके स्टोन्स में भी कलर कर देते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था, फटाफट से सारे के सारे स्टोन्स में कर देंगे बढ़िया बढ़िया कलर। अलग अलग कलर के सारे स्टोन होते हैं इसलिए सारे में अलग अलग कर देंगे। ऐसा लग रहा है थैनोस ने यहाँ पर नेल पेंट लगाई है, पर ऐसा कुछ नहीं। तो फटाफट से हमारी ड्रॉइंग हो चुकी है कम्प्लीट। इसकी हम यहाँ पर पावर बढ़ाने वाले है, POWER पावर into 1000। तो पावर यहाँ पर बढ़ चुकी है बहुत ही खतरनाक। फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं और ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। वो गाइजर अभी आप देख सकते हो ये हमारा थैनोस यहाँ पर बन चुका है और मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे खतरनाक थैनोस है। इसकी बाइसेप तो देखो, इसकी बॉडी तो देखो, और ये टकला भी नहीं है। इसका बढ़िया सा हमने मुकुट भी इसको पहना दिया था और ये आधा गोल्ड का है और आधा इसकी बॉडी जो ब्लू है ही। तो गाइस सर मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, आपको क्या लगता है हम उस खतरनाक से एलियन को हरा पाएंगे कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके बता दो क्योंकि मैं तो उसको कंफर्म हराने वाला हूं। तो लेट्स गो, फटाफट से उस एलियन के पास चलते हैं। एलियन आ रहा हूं मैं। बच्चे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मैं खुद यहाँ आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी भी सारी पावर्स ले लूंगा, फिर एक ही बारी में पूरी अर्थ को और मैं नकली अर्थ को नहीं असली अर्थ को भोड़ूंगा। एक सेकेंड, इसको कैसे पता हमने नकली अर्थ को ब्लास्ट किया था? बच्चे मुझे सब पता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। थैनोस को पिछली बार मैंने गलती से छोड़ दिया, इस बार नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो कैसर, ये एलियन तो सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये तो मुझे मार जाना है। रुक जाओ, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा मुझे। अब मैं इस एलियन को नहीं छोड़ने वाला। इधर आ, तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से। तो कैसर, इस एलियन को मैं जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉस सेंटोस और अर्थ को बचाना है, तो इसको इसके लिए मारना पड़ेगा। ये ले बच्चे, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, मैं तुमसे बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली तो तू है, पर अपने सपने में। इधर तो सिर्फ मैं ही खतरनाक हूँ। तो कैसे फटाफट से इस एलियन के बच्चे को पकड़ते हैं और इसको बताते हैं कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इसको उठाएंगे और ये ले। अगर तुमको लगा था तुम मुझे इससे हरा दोगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। कैसर, जितना मैंने सोचा था उससे तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला, पर इतना भी नहीं कि हमारे जैसे खतरनाक थैनोस को ये हरा दे, क्योंकि इसकी बारी आ चुकी है खत्म होने की। इसको फटाफट से पटक दे। ये ले बच्चे, इतनी जल्दी नहीं। क्या इतनी जल्दी नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जब तक मारूंगा जब तक तू हार नहीं मान लेता। ये ले। और कैसर, इसी के साथ इस एलियन थैनोस की कहानी हमने कर दी है खत्म। और कैसर, जब हम खुद थैनोस हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको बनाने वाले हैं, एक शेर बना दिया और वापस से चेंज करते हैं, एक छोटा सा कुत्ता बना दिया, रुक जा अब बड़ा कुत्ता, इसको हम अलग अलग चीजें बना के परेशान करने वाले हैं। मुझे छोड़ दो और अब बंदर, और अब कुत्ता, और अब बिल्ली, और ये तो एक सुअर बन गया। ये तो बहुत ही खतरनाक है, पर अब बारी आ चुकी है इसको सही में खत्म करने की। हम इसको एक पत्थर बनाने वाले हैं। ये ले। तो कैसर, आप देख सकते हो हमने इस खतरनाक से एलियन को पत्थर बना दिया है, और अब पत्थर से इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पानी में। मैं इन थैनोस की शक्ति से किसी भी चीज को पानी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसलिए उस एलियन को हमने कर दिया है खत्म पानी में कन्वर्ट करके। इसी के साथ पूरे लॉस सेंटोस और पूरे अर्थ को हमने बचा लिया एक खतरनाक एलियन से, और इसी के साथ जीत हुई। थैनोस अच्छाई के साथ है कि बुराई के साथ, वो मुझे नहीं पता। आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि जीत अच्छाई की हुई कि बुराई की। तो कैसे आज की बुरी बताई, अगर आपको आज मिली तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और कैसे हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।